वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूर ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं गुजरात के पाटन जिले के पाटन शहर में, और अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, यह है सहस्त्रलिंगा तालाब। तो आपको बता दूं इसकी मुख्य जानकारी, यह दोस्तों सहस्त्रलिंगा यानी हज़ार शिवलिंगों से बना हुआ तालाब। यानी दोस्तों, आप देख रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ कि इतना है नहीं, पर दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे, ये बहुत पुराने हैं और लगभग 11वीं शताब्दी में बने हुए हैं। तो दुर्गेश भाई, चलते हमारे वीडियो की ओर और दोस्तों को दिखाते हुए जानकारियां देते हैं। जी हरीश भाई, ये देखिए, अभी तो काशी है, ये काफ़ी टूट चुका है, तो मिट्टी आ गई अंदर। बिल्कुल दुर्गेश भाई, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 3 बार हमले हुए और इन सब चीज़ों को तोड़ दिया गया। कहाँ पर? यहाँ पर हरीश भाई। हाँ बिल्कुल, राजा महाराजाओं के द्वारा। आप देख सकते हो दुर्गेश भाई, ये कितना अंदर की तरफ धसा हुआ है। और दुर्गेश भाई आपको बता दें, ये सब यहाँ पे ये सब दबा गया है, ये सब यहाँ पे सब बना हुआ, आप देख सकते हो। और ये सब काफ़ी था यार इस भाई, ये देखिए सीढ़ियाँ थी। बिल्कुल दुर्गेश भाई, उस साइड में पूरा बना हुआ है, वहाँ तक सीढ़ी तक, और इस साइड भी देखिए बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी। बिल्कुल, चलते हैं दुर्गेश भाई आगे की ओर। और जो है तो हमारे दोस्तों को बता दें दुर्गेश भाई, जहाँ तक हो सके हम पूरी जानकारी देंगे आपको। जी हरीश भाई, ये देखिए इस तरफ। चलो हाँ, कोई तो दुर्गेश भाई उस साइड, तो मतलब ये जो आप रेत देख रहे हैं, ये धसी हुई है अंदर, ठीक है, और वहाँ पे खड्डे भी हैं, ना जाने कहाँ पे कुछ धसी हो। तो दुर्गेश भाई जूम करके दिखाइए अपने दोस्तों को, ये जो पिल्लोर है, ये ना जाने नीचे और कितने की ओर, क्योंकि दुर्गेश भाई ये तालाब है, और जो तालाब तो समझ सकते हो कितने गहरे होते हैं। तो ये जो ऊपर वाले स्तंभ भी हमें दिखाई दे रहे हैं, और हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो और इस भाई, ये जो नदी आती थी वो कौन सी थी? बिल्कुल हाँ, ये जो तालाब है दुर्गेश भाई, ये सरस्वती नदी से भरा जाता था, और इस टाइम जल आपूर्ति के लिए दुर्गेश भाई आप समझ सकते हैं कितनी उस टाइम भी मतलब इस पानी के स्रोत को बनाने के लिए ये सब। और सहस्त्र, मैं आपको बता रहा था दुर्गेश भाई, सरस्वती नदी से तो भी भरता ही है और जलापूर्ति के लिए बनाया गया था, पर हजार शिवलिंगों, आप सोच सकते हो कितनी होगी दोस्तों। ये सब धस गया है अंदर, और फिर भी हम आपको पूरी जानकारी के तहत दिखाते हैं दुर्गेश भाई। ये आप देख सकते हैं दुर्गेश भाई, क्या ये इतना हो सकता है? ये सबसे ऊपर वाला पिलर है। बिल्कुल, ये इस साइड करीबन लगभग मेरे अंदाज से हरीश भाई 20-30 फुट तो होगा ही होगा इतना। हाँ, 20-30 तो होगा ही होगा, नॉर्मल तो, ज्यादा नॉर्मल। और फिर ना जाने क्या हो इसके ऊपर से। सिस्टम ये था हरीश भाई, जो ये है ना, ऐसे नीचे लगे, इसके ऊपर ऐसे और लगे हुए, ऐसे और ऐसे से बना हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये इस टाइप से होता है ना, ऊपर से ऊपर। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा है दुर्गेश भाई। इस साइड से ये नदी है, आगे आप दिखाते हैं दोस्तों को। दुर्गेश भाई हमसे तो जहाँ तक हो सके जानकारी इकट्ठी करके अपने दोस्तों को देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और उस समय हरीश भाई व्यवस्था भी बढ़िया की थी, ये देखिए सीढ़ियाँ वगैरह। मैं आपको बता दूं दुर्गेश भाई, उस समय की व्यवस्थाएं आज के व्यवस्थाओं से कोई कम नहीं है। ये तो सब टूट गया है, सब दब गया है आक्रमणों के कारण। वो तो हरीश भाई सही है, आजकल तो ये बनाना नामुमकिन के बराबर है, क्यों करोड़ों रुपए लगते हैं ऐसे तालाब बनाने में। आप सोच सकते हो दुर्गेश भाई, उस समय अपन से भी, हमारे इस टाइम से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, और कितनी टेक्नोलॉजी रही होगी दोस्तों, आप सोच सकते हो। देखो इस साइड में, यहाँ वहाँ। जी हाँ हरीश भैया, यहाँ से जैसे पानी बरसात का है या फिर वो पानी आ रहा है, तो पानी आने का जो रास्ता है वो बनाने के लिए पूरा कितनी मेहनत लगती है, कितने दूर से पानी आता है। गैप भी दे रखा है दुर्गेश भाई, फुल गैप है, वेग कम हो जाए। जब दुर्गेश भाई पानी आता है तो वेग के साथ आता है, और इसलिए वेग के कारण ये गोलाइयाँ भी दी गई है। हाँ, ऐसे ही पानी आए वहाँ से, तो वहाँ से आए यहाँ टक्कर जाए, टक्कर के फिर वहाँ आए, वहाँ टक्कर जाए, इससे क्या पानी का वेग होता है, जो दबाव होता है वो धीमा पड़ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तालाब को कुछ नुकसान नहीं होता इससे। और दुर्गेश भाई मैं आपको बता दूँ कि वहाँ की जैसे इस साइड सीढ़ियाँ है, तो ये भी उस टाइम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पे गोलाई दी गई, आप देख रहे हो। जी हाँ, वही अभी मैंने वही बताया था हरीश भाई। दुर्गेश भाई मैं आपको बता दूँ, हाँ बहुत अच्छी जानकारी है, यह कोई छोटी बात नहीं है दुर्गेश भाई, कि जब पानी आता था उस समय ये भौगोलिक स्थिति रही होगी कि वहाँ से घुमाओ
और इस साइड में घुमाओ नहीं, तो वहाँ से घुमाओ और यहाँ से जो ये कट हो गया है और तो इस साइड से पानी का जो वेग है दुर्गेश भाई वो यूँ कि भाई यहाँ से उस साइड से ज़्यादा होगा, तो यूँ घूमने में भी वेग को बढ़ाना भी पड़ेगा, घूमने के लिए गोलाई देते थे तो काफ़ी वास्तुकला से काफ़ी बहुत बहुत फर्क पड़ता था दुर्गेश भाई। तो दुर्गेश भाई हम इस साइड आ गए हैं और बता दूँ आपको कि ये देखो दुर्गेश भाई ये गेट क्यों लगाया होगा कि यहाँ से पानी लेने के लिए यहाँ से आराम से जहाँ तक पानी हो आराम से आया जा सके, यहाँ से निकला जा सके। और काफ़ी पुराना है, यहाँ पे कुछ शिल्पकारी भी है दुर्गेश भाई, खंडित हो गई अब तो बहुत पुरानी टाइम की। और ये देखते देख सकते हो दुर्गेश भाई बांध के रूप में इस टाइप बनाया गया है। जी हाँ इस भाई ये तो बहुत बढ़िया नज़ारा है हमारे दोस्तों को भी अपना यही बता रहे हैं। देखो ये कितनी कारीगरी और उस टाइम में ये दुर्गेश भाई ये अंदर से धसा हुआ है इस भाई, ये ऊपर का पार्ट है तो समझ लीजिए कम से कम यहाँ 30 फीट के तो आसपास आराम से होगी, 25-30 फीट। तो भाई आप ये सीन और ये सीन एक साथ लेके दूर जाके दिखाइए दोस्तों को कि ये गेट और इस साइड से कितना फासला रहा होगा। देख दुर्गेश भाई कितना ये कितनी गहराई में धसा रहा होगा। ये हरीश भाई मैं बताऊं ये इसका क्या कारण हो सकता है क्या? कि हरीश भाई जैसे नदी आती थी सरस्वती नदी, आपने कहा सरस्वती नदी आती थी बिल्कुल, तो उसका उफान तेज होता था बिल्कुल, तो तेज उफान में ज्यादा ऊपर पानी था, पानी ज्यादा ऊपर होने के कारण वहां से पानी भर सकते थे अपन बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सरस्वती नदी धीमी पड़ दी पानी नीचे जाता उसका स्तर, तो फिर यहाँ से भी रास्ता था नीचे की तरफ जाने का बिल्कुल दुर्गेश भाई, बहुत इसीलिए ये सब ये देखिए आप। तो चलते हैं वापस अपने तालाब की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश भाई आप सोच सकते हो कितना बड़ा है और कितनी बेजोड़ कारीगरी की हुई है। तो हरीश भाई आप कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को? बिल्कुल दुर्गेश भाई अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए विराम देने की स्थिति आ गई है। तो दुर्गेश भाई क्या दिखा रहे हो आप दोस्तों को, कुछ क्या आपको नया नज़र आ रहा है? ये पत्थर दुर्गेश भाई ये बहुत धसे हुए हैं और आप जो देख रहे हो सही है, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, पत्थर धसे हुए हैं। अपने दोस्तों को दिखाइए, अच्छी बात है। तो दुर्गेश भाई इसी के साथ हमारे वीडियो को यही विराम देते हैं। जी हाँ हरीश भाई हमें कुछ यहाँ पर एंटिक लगा क्योंकि पुराना तो हम हरीश भाई आपको बता दें कि मुझे तो पुरानी चीज़ें देखने का, पुरानी जगह हैं ऐसी एंटिक चीज़ें देखने का बहुत शौक है और मैं देखना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा यार अपन देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी दिखा दे। हरीश भाई ने कहा कैसी होगी, मैंने कहा चलते यार देखते, पुरानी है तो कुछ खास होगी। अब खास तो वही हरीश भाई हजार शिवलिंग थे यहाँ पर, बिल्कुल तो बहुत खास है, कुछ खास नहीं बहुत खास है। अब लोग इसका ख्याल नहीं रखने, अब रखने के लिए पैसे भी लगते हैं हरीश भाई, सुरक्षा तो यहाँ पर रखी गई है। तो अब दुर्गेश भाई मैं आपको बता दूं कि सरकार जो पुरातत्व विभाग होता है जी हाँ, तो वो छोटी बात नहीं है पुरातत्व विभाग। पुरानी अब हम सोचते हैं कि पुरातत्व विभाग में क्या है यार ये सब, तो ये विभाग हमारी संस्कृतियों को उजागर करता है, हमें वहाँ से सीख मिलती है कि उस टाइम में कैसे बना, जो आज की जो कारीगरी है दुर्गेश भाई, तो वो एक सीखने के लिए एक सीढ़ी नुमा, एक सीढ़ी चाहिए दोस्तों, तो बहुत फर्क पड़ता है। और मैं आपको बता दूं दुर्गेश भाई के बहुत इसका बहुत फर्क पड़ता है, हम जैसे हम सोचे वैसे नहीं है। जी हाँ हरीश भाई बिल्कुल, बिल्कुल, तो हम भी अपने दोस्तों को हरीश भाई यही कहना चाहेंगे कि जो उस समय ऐसे थे टूट फूट गए थे उनका देखभाल नहीं कर सके, तो आज के टाइम में हमारे जो बनाते हैं ऐसी सरकार वगैरह कोई भी व्यक्ति बनाता है तालाब तो उनका पूर्ण ख्याल रखे, आज मैं अपने दोस्तों व्यवस्था बनाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल आज का टूर ऑफ इंडिया का संदेश देना मैं जरूर चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ आकर ये सब हमने देखा दुर्गेश भाई सब धसा हुआ है बिल्कुल, अगर हम सोचें कि अगर ये सही होता तो क्या लाजवाब रहा होगा, कितना सुंदर होता, कितना सुंदर रहा होगा और कितने लोग कितना मतलब पूरा गांव पानी पी सकता था, पानी पी सकता पूरी सिटी, पूरी सिटी पानी पी सकती थी। पानी के साथ साथ दुर्गेश भाई ऐसी चीजें देखने को कहां मिलती है, कितनी सभ्यताएं उजागर होती, और अब सब धस गया है तो ये सब थोड़ा व्यर्थ सा लग रहा है। तो दुर्गेश भाई हमारी यही मुहिम है कि आप कहीं भी जाएं दोस्तों, कहीं भी ऐसी चीज़ों को ना तोड़ें,
बिल्कुल ना तोड़े, क्योंकि यह सिर्फ हम तो उस टाइम में करके छोड़ देंगे, मगर हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इन चीज़ों को नहीं देख पाएगी, नहीं सीख पाएगी। तो दुर्गेश भाई, यही मेरी इस मुहिम थी कि आप प्लीज़ यह मेरी रिक्वेस्ट है। और दुर्गेश भाई, अपने सारे यूजर्स ये बात ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो के ज़रिए। और दोस्तों, अगर वीडियो के ज़रिए ना करें फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मुख जबानी भी किसी को कहीं जाए और किसी को भी तोड़ता हुआ देखे तो उसे समझाएं, प्लीज़ ये ना करें। जी हाँ, ना ही तो तोड़े और ना ही उसमें कोई गंदगी करे, कचरा फेंके, तो सफाई रहेगी तो अपने आप बढ़िया रहेगा। हरीश भाई बिल्कुल, ये तो हमारे दोस्तों को ज़रूर बताना था। तो दोस्तों प्लीज़, ये बात मेरी मायने रखती है और आप अपने दिल से, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ दोस्तों। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दुर्गेश भाई, तो इसी के साथ हमारे वीडियो को यही विराम देते हैं दुर्गेश भाई। और अपने दोस्तों को कहते हैं, दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जी हाँ हरीश भाई, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हरीश भाई अपने दोस्तों को यही कहना चाहेंगे कि सब्सक्राइब जरूर कर दे यार। कहूँगा दुर्गेश भाई कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो आप जिसको अपना समझते हो, उनको ज़रूर कहें कि आप सब्सक्राइबर करें, क्योंकि वो भी आगे और किसी को देख सकें, वो भी कुछ जान सकें। और जैसे जैसे जानकारियाँ बढ़ेगी दुर्गेश भाई, वैसे वैसे विकास होगा और जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय जय हिंद।